तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, इनको मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में दिया था लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। एक बार प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिस्ट चाहिए, मेरे इसमें जितने भी वीडियोज हैं, वीडियोज फाइल हैं, उनका एक लिस्ट चाहिए। फिर उसके उसके नाम में से मुझे टाइम को अलग करना है, उस टाइम के फोल्डर को क्रिएट करना है और उसमें उसका वीडियो अपलोड करना है। तो इसको कई चरण कॉपी पेस्ट करना है, तो कई चरण में करेंगे। सबसे पहले हम इस पे लिस्ट इसका निकालेंगे, ठीक है। तो हम मॉड्यूल्स में जाते हैं और यहाँ सब्जेक्ट कॉपी वी के नाम से, सीओ वी के नाम से मैं वीडियो बनाता हूँ। और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले fn फाइल नेम इक्वल टू dir फंक्शन लगाते हैं। dir फंक्शन में हम पाथ नेम देंगे जो हमारा पाथ नेम है। पाथ हम उठा लेते हैं, और फिर इसमें देते हैं स्टार्ट डॉट, और फाइल का एक्सटेंशन क्या है। फाइल का एक्सटेंशन एक बार देख लेता हूं, फाइल का एक्सटेंशन है डॉट mp4। सो यहां डॉट mp4 टाइप करते हैं, और फाइल टाइप में हमने बोल दिया कि नॉर्मल फाइल चाहिए, सिस्टम फाइल नहीं चाहिए। तो dir फंक्शन क्या करता है कि इस लोकेशन पे जाएगा, और आपने फाइल नेम कंप्लीट डाला है तो ठीक है, आपने सिर्फ एक्सटेंशन डाला स्टार के साथ, स्टैक के साथ। एंड नहीं लगाएंगे, एंड क्यों एंड लगाएंगे, इसमें कॉन्कैटेनेट नहीं करेंगे, नहीं जरूरत नहीं। तो मुझे फाइल का लिस्ट देगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये जो fn जो है ये हमारा वेरिएबल टाइप है, तो एक बार में एक ही डेटा को पैच करेगा। तो मतलब कि मैं यहां पे लिखूं कि रेंज a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू fn, तो fn इसकी जो है एक नाम यहां डाल देगा। अब मुझे a2 पे दूसरा नाम चाहिए, तो मैं यहां पे अगर इसी को कॉपी करूंगा तो देखेंगे कि a2 पे दो नाम यहां दे, यहाँ पे A2 पे अगर मैं दो बार किया तो ये एक ही फाइल का दो नाम दिख रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा फाइल चाहिए। तो इसके लिए आपको fn इक्वल टू dir को एक बार और रन करना पड़ेगा। ऐसा आप करते हो तो dir क्या करेगा कि अपने अंदर लोड की गई दूसरी फाइल को fn को ट्रांसफर करेगा। आप देखेंगे A2 पे आपका दूसरा फाइल आ रहा है, और इसी प्रोसेस को हमें जितने फाइल है उतने बार रन करना होगा ताकि हमें fn पे लोड सारे फाइल को यहां से ले सके। तो dir लेंथी हो जाएगा सर, ये तो क्या बहुत लेंथी हो जाएगा, ये तो लाइफ एंट्रीज है ना, सॉल्यूशन है बता रहा हूं आपको। अच्छा तो एक कर देगा, तो यहां पे जैसे कि आपने बोला लेंथी, तो सबसे पहले समझ गए ना कि dir फंक्शन क्या करता है। dir फंक्शन अपने एक्सटेंशन से सारे फाइल लिस्ट का लिस्ट लेता है, एक बार में एक फाइल का दिया, फिर आप वापस fn पे अगेन dir विदाउट एनी ये चलाते हैं, मतलब कोई ऐसी इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो अपने लोड की दूसरी फाइल को आपके वेरिएबल पे स्टोर करता है, ठीक है। जितने फाइल उतने बार आपको dir को वापस रिलोड करना पड़ेगा विदाउट एनी आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन आया कि मैं ये काफी लंबी हो जाएगा ना, कि अगर 100 फाइल है तो 100 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो उसी के लिए लूप बना हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे फाइल में, हमारे शीट में कितने नंबर फाइल हैं, कितना बार इसको रन करें। तो इसके लिए हमारे पास डू लूप लगेंगे, कि डू व्हाइल हमने बोला fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो डू लूप एक कंडीशंस पे चलता है, डू के पास दो लूप है, व्हाइल और अंटिल। हम व्हाइल को समझते हैं, अंटिल को बाद में समझेंगे।
ये एक कंडीशन पे चलता है। हमने बोला जैसे कि जब इसका एफएम डीआईए के पास सारे फाइल लिस्ट खत्म हो जाएगा और फिर भी मैं उसे फाइल का नाम मानूंगा तो एफएम पे ब्लैंक स्टोर करेगा। तो हमने बोला कि इसको तब तक रन करो जब तक एफएम ब्लैंक ना हो जाए, समझ गए। और फिर मैं यहां पे देता हूं कि रेंज ए डॉट ए वन में ए पैसर जाए, मैं डायनेमिक कर देता हूं डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन और फिर डी आई आर सॉरी एफ एन इक्वल टू डी आई आर लास्ट में लूप, समझ गए सर। ये डी आई आर ब्रैकेट जो लगता है इसका क्या मतलब होता है, कैसे समझेंगे हम? अब ये तो आपको समझाया मैंने आपको कि डी आई आर अपने पास सारे फाइलों का लिस्ट ले लेता है, लेकिन एक बार में एक फाइल का लिस्ट देगा। हाँ जी। आपको दूसरी फाइल का लिस्ट चाहिए तो आपको वापस उस वेरिएबल पे डी आई आर को रन करना होगा विदाउट एनी आर्गुमेंट, तो अपने अंदर ली गई फाइल का दूसरा लिस्ट दे देता है। तो आपने ये वाला जो एफ एन इज इक्वल टू डी आई आर और दो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, तो डी आई आर तो ये मतलब कंफर्म करेगा कि ये दोबारा से चल रहा है सारा। हाँ, जैसे कि मैं बात बता दूं आपको, डी आई आर चला, यहाँ पे देखिए डी आई आर चला, चलने के बाद एफ एन पे एक फाइल का नाम डाल दिया जी। फिर हमने कंडीशन लगाया कि एफ एन जब तक ब्लैंक ना हो तब तक लूप को चलाओ, फिर एफ एन पे लोड की गई वैल्यू को उसने पेस्ट कर दिया, राइट कर दिया। फिर एफ एन पे हमने डी आई आर चलाया तो उसने क्या किया, उसने दूसरी वैल्यू डाल दी। ओके, उसने पांच फाइलों के नाम दिया ना, तो पांच एफ एन ने मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में पांच फाइल मिले, फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री, डी आई आर अपने पास ये पांचों का रिकॉर्ड रख लेगा बैकएंड में, समझे। हाँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देगा वन टाइम एक ही को, तो फर्स्ट टाइम रेफरेंस चलेगा तो इस फाइल का रिकॉर्ड देगा, ठीक है। फिर वापस अगर डीआईआर के अंदर में अगर हमने आर्गुमेंट दिया तो फिर उसी आर्गुमेंट को फॉलो करेगा, मतलब कि और फाइल पाथ वगैरह दे दिए तो उसको फॉलो करेगा। अगर हमने फाइल पाथ वगैरह नहीं दिया तो फिर वो इस फाइल को एफएन को रीलोड करेगा और ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। जब उसके पास सारे फाइल लिस्ट खत्म हो जाएंगे फिर भी मैं मांगूंगा तो ब्लैंक स्टोर कर देगा, समझ गए। ठीक है सर, समझ गए। हां जी, जब ब्लैंक स्टोर करेगा तो हमारा लूप क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लूप जो है वो कंडीशंस पे है हमारा कि एफएन जब तक ब्लैंक ना हो तब तक मेरा सीक्वेंस चलता है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको पहले से जो फाइल नेम है उसको डिलीट कर देता हूँ, कंप्लीट है। मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, फाइल लिस्ट का यहाँ पे दे दिया। अब मुझे इस फाइल में से हमारा ये 12 जो है वो निकालना है, तो फिर मैंने यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और फाइंड का फॉर्मूला स्पेस को यहाँ ढूंढेगा पहले पोजीशन से, 11 आ गया। फिर मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा कि 11 प्लस 1 और यहां से दो करेक्टर ले, समझ गए सर। आया समझ में? हेलो, यस सर, आया। तो हमारा सारे फाइलों का टाइम पता चल गया, लेकिन एक चीज मुझे पता करना है किसमें, बीवीए के थ्रू, तो मैं इसको यहीं पे करता हूं। तो फिर
फिर यहाँ पे करता हूं मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ लोकेशन के लिए, एल इक्वल टू फाइंड यहाँ क्या हो जाता है इन एस टी आर, और इन एस टी आर में मैं बोलता हूं कि मेरा स्टार्ट नंबर कौन सा है वन, किसमें ढूंढना है तो एफ एन में, क्या ढूंढना है तो स्पेस, फिर टाइम के लिए मैं करता हूं मिड, और मिड में मैं बोलता हूं कि स्ट्रिंग कौन सा है एफ एन कॉमा, स्टार एफ एन इसके अंदर कहां से स्टार्ट करना है एल प्लस वन, और कितने नंबर डिजिट चाहिए टू डिजिट चाहिए, ठीक है। और इसको कॉपी करके मैं यहां पेस्ट करता हूं, और यहां पे जीरो वन और टी कर, कुछ बोल रहे हैं सर? नो सर। तो मेरा टाइम अलग हो गया, देखिए टाइम आ गया। अब मुझे इसमें कई टाइम रिपीटेड है ना क्या सर? तो इस सारे फोल्डर हमें क्रिएट करने हैं, तो हम यहां पे वैल्यू ना डालते हैं, यहां पे करते हैं एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी, और कहां हमें फोल्डर बनाना है चलिए उसका पाथ ले लेता हूं मैं, डी में 2018 के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये सारे फाइल डिलीट मार देता हूँ, इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते 18 में, राइट क्लिक करते हैं न्यू वी आई डी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो रिपीटेड होगा तो दोबारा फोल्डर तो नहीं बनेगा ना, एंड हमने बोल दिया टी, तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, क्या नहीं बनानी बोल रहे, बनना होगा तो क्यों बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं सर? यस सर। अब मैं इसको मूव करूंगा, तो यहां लिखता हूं कॉपी, कॉपी, और हमें कॉपी कहां से करनी है, इन लोकेशंस रहा हमारा कॉपी लोकेशंस, फाइल नेम क्या है तो हमने बोला एफ एन, ठीक है, और कहां पेस्ट करना है ठीक है सर, और इसको डिलीट कर देता हूं, और मैं इसको रन करता हूं, फॉर सब और फंक्शन नॉट डिफाइंड, सब कॉपी हो गया, फाइल कॉपी होगा, फाइल कॉपी होगा सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग चल रहा है, अब इसमें देखिए फोल्डर ज्यादा बन रहा है, कॉपी हो रहा है, अब बताइए इसमें कौन सा कोड आपको नहीं आता जिस कारण से आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, हेलो डॉक्टर साहब हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, क्या दिक्कत थी इस कारण से आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया? सर ए बिट कॉम्प्लिकेटेड इट वाज,
हमें तो ये देखिए कितने लाइन का फॉर्मूला है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लाइनों का फॉर्मूला। अरे कॉपी वाला क्या बोल रहे हैं, ये फाइल कॉपी किया सर? हाँ इसमें सर ये एफ एन ये लास्ट वाला बताना सर, जिसमें से कौन, ये जहां से कॉपी करनी है और जिसमें कॉपी करनी है। हाँ आपको सामने ही है। और ये कॉन्करेंट में टी ले लिया मिड वाला, क्योंकि क्या है बताता हूँ कि एफ एन सिर्फ फाइल का नाम देता है, इस पे डी आई आर जो है आपका टी आई आर फाइल का पाथ नहीं देता, क्या देता है सिर्फ नाम विद एक्सटेंशन, समझ गए? अभी भी हमने लोड करके अभी भी हमने इस पे एक्सेल शीट पे डाल के देखा था, तो हमने क्या हुआ इसके पाथ के साथ दे दिया, कोई कॉपी करने के लिए पूरा पाथ चाहिए, और सेम हमें पेस्ट करने के लिए फोल्डर हमारा पता नहीं है कि फोल्डर क्या है, समझ गया? तो हमने देखा कि एफएन यहां पे निकाला एफएन का कि जो एफएन का जो टाइम स्लॉट है उसी फोल्डर में पेस्ट करना है, तो हमारे पास ये था टाइम स्लॉट के लिए जो फोल्डर बना वो ये हो गया और फाइल का एक्सटेंशन ये हो गया। कॉन्कैटेनेट में हम इसको स्लैश के साथ एक फॉर्मेट में बना दिया, बस। ये तो सर ये वर्क कैसे कर रहा है, अपने आप कैसे डाल रहा है उसमें, टाइम के हिसाब से कैसे ले रहा है? देखिए बताता हूँ, सबसे पहले इसने बना डी आई आर फंक्शन काम किया, इसने सारे फाइल का लिस्ट अपने पास रख लिया, एक फाइल का लिस्ट इसने यहाँ पे इसको दिया, वाइल चेक किया कि फाइल है ना सच में, बोला कि हाँ है, तो ब्लैंक मतलब कि नहीं फाइल है, ब्लैंक नहीं होता तो फाइल है। फिर इसने क्या किया कि स्पेस को काउंट किया, कि हमने आपने देखिए इसमें आपके एक्सेल शीट में बताया कि जो हमारा फाइल का जो नाम है जैसे कि 2018-05-07 ये तो डेट हो गया, स्पेस फिर टाइम था जो कि मैंने अभी आपको एक्सेल शीट में बताया था जी। यहाँ पे तो हमने क्या किया फाइन फॉर्मूले से स्पेस को निकाला, तो मुझे यहां से स्पेस की काउंटिंग पता चल गई, फिर मैं मिड फॉर्मूला स्पेस की काउंटिंग पता चल गई, तो ये इसके लिए इनएसटीआर है क्योंकि फाइन यहाँ पे इनएसटीआर होता है, यहाँ फाइन भी एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट फाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन फाइन दिया क्या होता है इनएसटीआर होता है, तो स्पेस की लोकेशन यहाँ दे दिया। फिर हमने मिड का फॉर्मूला लगाया और बोला कि जो स्पेस का लोकेशन है उससे एक करेक्टर आगे से स्टार्ट करो और दो लेटर लो, तो इसमें से 04 में से 04 यहाँ पे 12 ले लिया, 17 ले लिया, 19 ले लिया, 20 ले लिया और लेके टी पे स्टोर, इससे क्या पता चल गया टाइम, क्योंकि वीडियो जो है एक टाइम में आवर सेम है बट क्या है कि मिनट कभी 20 मिनट मतलब जैसे कि क्लास कभी 8:10 पे स्टार्ट होती है, कभी 8:15 पे, कभी 8:20 पे है, तो इस तरह के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसने वेरिएंट है, लेकिन हमें आवर लेना है, आवर के हिसाब से चलना है, सेकेंड मिनट को नहीं देखना है, तो हमने आवर को अलग कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आवर लग गया तो फिर हमने मेक डायरेक्टिव वाले फिल्टर से जाके हमने एक लोकेशन में वो आवर हमने बना दिया, उसका फोल्डर बना दिया। आप बोलोगे सर इसमें तो रिपीटेड है, आपके पास 22 बार है, तो क्या 2 बार फोल्डर बनाएगा? जी नहीं, क्योंकि एक हमारा सिस्टम क्या करता है एक फोल्डर में एक ही नाम का फोल्डर बनाएगा, क्या दूसरा फोल्डर जैसे ही बनेगा वो एरर देगा, तो जब वो एरर देगा तो क्या होगा ये ऑन एरर रिज्यूम मैक इसको स्किप कर देगा, समझ गए? तो फोल्डर नहीं देगा, बट फाइल तो कॉपी होना ही है क्योंकि एक 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 टाइम में 2-3-10 फाइलें हैं, तो इसने फाइल को यहां से कॉपी किया, कॉपी करने अब कॉपी अब फाइल कॉपी क्या करता है कि मुझे ओरिजिन दो और डेस्टिनेशन दो, समझ गए? ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तो ओरिजिन तो पता है हमारा कि डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन फाइल नेम नहीं पता है क्योंकि फाइल नेम बहुत सारे हैं, एक बार में एक ही कॉपी करेगा, तो हम इसके साथ एफएन के साथ कॉन्कैटेनेट करके फाइल नेम बना दिया और पेस्ट करना है, उसका भी डेस्टिनेशन भी हमारा दिया, लेकिन डेस्टिनेशन में हमारा फोल्डर डिफरेंट डिफरेंट है, फोल्डर डिपेंड करता है फाइल के नाम के ऊपर,
और नाम में लगी आवर के ऊपर, जिसको मैंने मिड और इन एसटीआर से एक्सट्रैक्ट किया, समझ गए? बट फाइल नेम वही रहेगा तो आपके सामने ही है। और फिर हमने एफएन इक्वल टू डीआईआर किया तो ये अगली फाइल को लोड करेगा और सेम प्रोसीजर अगली फाइल के लिए चलेगा, सारे फाइलों के लिए सेम प्रोसीजर चलेगा। जब डीआईआर के पास कोई फाइल नहीं रहेंगे तो ब्लैंक स्टोर करेगा और जैसे ही लूप यहां देखेगा कि एफएन पे ब्लैंक है, वो लूप को स्टॉप करके माइक्रो क्लोज कर देगा। समझ गए? समझ गए। और आपका देखिए काम हो गया। अब मान लीजिए कि आपके मेरे पास अगर 1000 फाइल होता, इस सारे फाइलों को वन बाय वन फोल्डर में कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लगता सर? काफी टाइम लगता ना सर? जी जी। और हमारा ये माइक्रो इस काम को कितना आसानी से कर देगा सर। ये डेट वाइज भी इस तरह से हो जाएगा? हाँ, डेट वाइज भी निकालना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप जो मिड फॉर्मूला लगा के कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट करेगा। ये यहाँ पे मेन चीज आपका ये है, समझ गए ना? जी जी, मिड और हाँ जी। तो इसको अगर आप डेट वाइज निकालोगे तो आपका फोल्डर डेट वाइज क्रिएट होगा और फाइल डेट वाइज पेस्ट होगी, समझ गए? जी जी। और डॉक्टर साहब समझ में आया आपको? तो सर डेट के लिए तो लेफ्ट का लगाना पड़ेगा ना सर? वो तो डिपेंड करता है ना सर कि क्या कर रहे हो आप, कैसा टाइम दे रहे हो। बताया आपको कि वो इस पे है नहीं सर? लेफ्ट का आपने बताया नहीं ना, लेफ्ट कैसे इसमें चलाएंगे? एक्सेल में कैसे लेफ्ट चलाओगे? जैसे यहाँ वैसे यहाँ चलेगा लेफ्ट सर। अच्छा, हमने आपको शुरुआती दौर में एक्सेल में बताया ना आपको, मैंने अलग करके। हाँ हाँ, एक्सेल में चलाओगे फिर उसमें चलेगा। अब ट्राई करो, डेट वाइज अलग करके देखो, ईयर वाइज अलग करके देखो, मंथ वाइज अलग करके देखो, मंथ में डेट वाइज वाइज लेके देखो। आपके पास क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो होगा ना? जी जी सर। ठीक है, अब इसमें अब हाँ इसी इसी को तर्क पे लेके आपको मॉडिफाई क्या करना है, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये तो ए रिकॉर्डिंग तो गो टू मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी जो इस तरह से इकट्ठा आती। अब जूम की रिकॉर्डिंग क्या है कि जूम की रिकॉर्डिंग फोल्डर वाइज बन रहे हैं, दिख रहा है आपको सर? हर दिन का एक फोल्डर बनाता है ये, रखिए आप हर दिन का एक फोल्डर बना रहा है, समझ गए? अब आपको क्या करना है कि टाइम में से जाना है उस फोल्डर के अंदर जाके, इसका सबका नाम जो है जो सेम है, क्या नाम है? जून 01। फाइल का नेम सबका सेम है बट आपको हर फोल्डर में जाके उसके फाइल को यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्या करना है सर? फोल्डर से निकालना पड़ेगा आपको। मुझे तो नाम तो सर सेम है सबके, नाम नहीं, फाइल नेम सेम है बट फोल्डर का नेम अलग अलग है ना सर? हाँ ठीक है ना आपको सर, मतलब कि जो गो टू मीटिंग फाइल नेम रखता था वो जूम फोल्डर नेम रखता है और उस पर्टिकुलर फोल्डर में अपना वीडियो रखता है। अब यहां से वीडियो अलग करने आप कैटेगरी, इसी तरह से कैटेगरी करना है और फाइल का नेम भी चेंज करना है। और मेरे हिसाब से आप लोग इसको कर लोगे अगर इसको आप समझ गए तो, और कीजिए सर। ठीक है सर? ठीक है।